तो गाइस एक गुफा आप लोग देख सकते हो, एक बहुत ही लंबी सुरंग भरी हुई है। यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर दरवाजा है जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, देखने वाले हैं आखिरकार इसके यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। लेकिन इस गुफा के अंदर बता रहे हैं, प्रवेश हम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ के अंदर देखिए, तो देखिए यहाँ से इस गुफा के अंदर से कितना यहाँ पर मुख है, इसके अंदर से यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए अब इसके और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेली महिमा। तो गाइस आप लोगों ने तरह तरह की रहस्यमय जगहों के बारे में देखा होगा और सुना होगा, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसी रहस्यमय जगह बताने वाले हैं जिसके बारे में ना तो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा ना ही आप लोगों ने अभी तक देखा होगा। और गाइस जिस दिन इस रहस्यमय जगह के पास हम जा रहे हैं उस दिन गाइस एक नहीं बल्कि हजारों लोग यहाँ पर इस जगह को देखने के लिए आए हुए हैं। और गाइस ये जितनी भी रहस्यमय जगह है दोस्तों, जितना वहाँ पर वहाँ का जो दृश्य है रहस्यमय दृश्य है, उससे ज़्यादा दोस्तों रहस्यमय यानी कि उससे ज़्यादा खतरनाक यहाँ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, जो कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। किस प्रकार से यहाँ पर लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पर खतरनाक रास्ते से यहाँ पर जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिया गया है। और गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानें दी गई हैं जिसके ऊपर जो रहस्य छिपा हुआ है, तो इस चट्टानों से चढ़कर जाना पड़ता है। और गाइस यहाँ पर चट्टाने के लिए देखिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से, मतलब चट्टानों के ऊपर चढ़ने के लिए भी गाइस उस प्रकार से मतलब ना कोई सीढ़ी है ना कुछ, बस पत्थरों को पकड़कर ही चलना पड़ता है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो में कहीं कहीं आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी भी दिखाई देते हैं, क्योंकि गाइस इस दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और गाइस हम ही अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो यहाँ पर आए हों, यहाँ पर आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर असली रहस्य जो चीज़ है वो भी आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति मतलब जो उल्टी सीधी हरकत है वो हरकत ना करे। ठीक है, क्या है कि दोस्तों आजकल के जो लोग होते हैं, जो आजकल की नई जनरेशन है गाइस, उसके बारे में आप लोग जानते हो कि वो सेल्फी के चक्कर में कुछ भी कर बैठती है, यानी कि वहाँ जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सीन दिखा तो सेल्फी सेल्फी सेल्फी, यानी कि सेल्फी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बैठाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर इस प्रकार के कुछ हॉल भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें ऐसे लगता है दोस्तों जैसे यहाँ पर बोरिंग मशीन से ये हॉल करवाए गए हैं। लेकिन गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकार के हॉल आपको पूरी नदी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब गाइस इतने बिल्कुल सटीक हॉल किसने बनाए और ये किस लिए बने हुए हैं, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं गाइस, यहाँ पर कम से कम यानी कि यदि धरती से नापा जाए तो कम से कम 30 फुट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। और 30 फुट की ऊंचाइयों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर गाइस यहाँ पर जो आप लोग ये मूर्ति देख सकते हो, इन्हें क्या दोस्तों, इन्हें पांडवों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और गाइस ये कोई बनावट नहीं है, बल्कि गाइस यहाँ पर जब से ये नदी है तब से ही गाइस ये मूर्ति यहाँ पर हैं। और इनकी संख्या गाइस टोटल 5 है, और 5 संख्या होने के कारण गाइस इन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है, और इसी कारण से इस स्थान को पांडवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक गांव भी है, उस गांव का नाम भी गाइस इसी स्थान के नाम से पांडवन रखा गया है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ की ऊँचाई, यहाँ पर ये लोग गाइस यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। खतरों पर गाइस यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जगह है, आप लोग खुद देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सहायक कर्मी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन में। और गाइस यहाँ पर ये पानी जो आ रहा है, यहाँ पर देखिए गाइस एक रहस्यमय, बिल्कुल इसे कैसा लग रहा है कि दोस्तों जैसे ये पत्थर किसी ने काटा हो, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, ये मतलब पहले से ही ऐसा बना हुआ है। गाइस इस नदी में मतलब ये समझिए कि हर जगह इस प्रकार के आपको रंध या हॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइस जब हम यहाँ पर आए तो हमें तो आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये कैसे हुए होंगे और कौन इतना सब कुछ करता रहा होगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यहाँ के रहस्य के बारे में बता देते हैं, वरना आप लोग कहोगे कि वीडियो पूरा हो गया अभी तक ये पता नहीं लगा कि यहाँ पर आखिरकार कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर रहस्य ये छिपा हुआ है कि ये सबसे पहले नदी का नाम है दोस्तों कैन नदी, और यहाँ पर जो पानी यहाँ पर गिर रहा है गाइस, तो इसकी सबसे बड़ा रहस्य गाइस यहाँ पर ये है कि यहाँ तक पानी आता तो है, नदी में चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए पानी यहाँ तक आएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर पानी आगे जाके गाइस अचानक गायब हो जाता है। और यहाँ से गाइस
मस्तिष्क लगभग 5 किलोमीटर के दायरे तक कहीं पर भी पानी नजर नहीं आता है। यानी गाइस आप लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि जिस प्रकार से सुरंग वाली ट्रेन चलती है उस प्रकार से उसी प्रकार से गाइस यहां पर सुरंग वाला ही काम हो रहा है। यानी कि लगभग 4-5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जहां पर गाइस पानी नीचे नीचे जाता है, ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इस सुरंग गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है। यदि बाढ़ हद से ज़्यादा आ जाए तभी यहाँ पर पानी नदी में इस बीच दिखाई देता है, वरना गाइस पूरा पानी इसी के अंदर से चला जाता है। और गाइस रही ये रंध की बात, ये जो हॉल टाइप के देखने को मिल रहे हैं ये शायद गाइस देखिए यहाँ के लोगों का मानना है कि पानी गिरने से ये हॉल हुए हैं, लेकिन गाइस पानी गिरने से तो हुए हैं हमारी भी समझ में नहीं आता है कि जो ऊपर वाले पत्थर पर हॉल है वहाँ पर कहाँ से पानी गिर रहा होगा गाइस, बस ये हमारी समझ में नहीं आता है। बाकी गाइस यदि आप लोग इस जगह पर कभी आए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और गाइस आपको ये वीडियो ये दृश्य देखकर कैसा लगा? गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।